इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ है। यू हैव अर्नब गोस्वामी इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ नाम आर दिस एंड आई फील दैट देयर इज अ मैन सिटिंग इन द स्टूडियो हु इज डेड स्केयर्ड कि तुम मेरी कौड़ियों पे पल्लो मेरी कौड़ियों पे पढ़ते हो, आपको किसने दिया ये हक? एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं नहीं बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार। ओनली अर्नब गोस्वामी इज अ नेशनलिस्ट। भारत का मीडिया आजाद मीडिया कहा जाता है, पर आजाद होकर भी ये आजाद नहीं दिखता। लंबे समय से मीडिया का झुकाव सत्ता पक्ष की ओर दिखाई दे रहा है, शायद इसलिए हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में काफी पीछे खड़े हैं। इस झुकाव का असर पत्रकारिता पर साफ देखने को मिल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं उस पत्रकार की जो अपने बयानों को लेकर ज्यादातर सुर्खियों में ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की। अर्नब अक्सर मोदी जी की तारीफ करते दिखाई देते हैं और जो भी मोदी या उनकी सरकार द्वारा लिए फैसलों की आलोचना करता है, अर्नब अपने डिबेट में उन्हें एंटी नेशनल कह देते हैं। इन्होंने आज कह दिया है कि ये आज ये प्रधानमंत्री के खिलाफ है। इन्होंने आज ये पप्पू जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हूँ। तो मैं कह दूं आपको, पप्पू यादव, अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। अगर आप इस वक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ है तो आप भारत के खिलाफ हैं। आप भारत के खिलाफ हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है संजीव जी, मैं बताता हूँ। ये नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। इनकी प्रॉब्लम भारत से है, नरेंद्र मोदी से है। आज इनको कहना पड़ेगा कि हम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। और आपको भी कहना पड़ेगा इन्हें कि अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो भारत के खिलाफ है। बोलिए इनको साहिब जी को। हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर पर मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर एक पोल करवाया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हैशटैग मोदी वन ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट 2.0, हु डिड इट बेटर, मोदी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन। रिजल्ट के मुताबिक लोगों ने मोदी सरकार से ज्यादा ऑपोजिशन के काम को पसंद किया। क्या अर्नब ऑपोजिशन के पोल जीतने पर कोई डिबेट करेंगे? शायद नहीं। हाँ, अगर मोदी गवर्नमेंट जीती होती तो अर्नब इस पर डिबेट जरूर करते। क्या अर्नब को भी अब एंटी नेशनल कहा जाना चाहिए? उनके चैनल ने भी मोदी की आलोचना की है। हम जानते हैं कि अर्नब अपनी डिबेट में विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं देते, पर कुछ मौके ऐसे भी हैं जब अर्नब के बर्ताव और भाषा को लेकर विपक्षी नेता भड़क उठते हैं। हम आज कुछ ऐसे ही मौके आपको भी दिखाएंगे। रिपब्लिक टीवी पर कांग्रेस लीडर द्वारा पीएम के लिए अपशब्द बोले जाने पर डिबेट हुई। इस डिबेट में अर्नब ने CPIM लीडर फुआद हालिम से सवाल किया। अपने जवाब में फुआद हालिम ने अर्नब को उनकी पत्रकारिता पर सुनाना शुरू कर दिया। फुआद हालिम ऑफ द CPM, प्लीज टेल विशाल शर्मा ऑफ द BJP व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नामार्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अब्यूज थ्रोन एट द प्राइम मिनिस्टर। शेयर एट्रोशियस नामार्थ एंड पैथेटिक द वर्ड यूज्ड इज नामार्थ, द प्राइम मिनिस्टर इज नामार्थ अकॉर्डिंग टू द कांग्रेस। इट्स एग्जैक्टली नामार्थ, द वर्ड कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय अर्नब गोस्वामी एंड योर कैरेक्टर। यू आर अ नामार्थ एंड यू आर द पर्सन हु एक्चुअली सिग्निफाइज व्हाट नामार्थ मींस। इट एपिटोमाइजेस नामार्थ, ओके, and you don't have to search for any other reason or any other explanation of Namarth once you have Arnab Goswami in front of you, because that is what the meaning of Namarth is. This conspiracy that Arnab, that you are part of, where you do not want to discuss the national issue. Are you feeling all right? You do not want to discuss issues on. You want to ask some people around you for some help? Embarrassed to talk upon. No. You want to ask for some help? You do not want to discuss the issues that the Prime Minister is evading because you do not want to fulfill your responsibility. No. One sec. As a journalist. No. But. And that Modi has also been arrested. There is a warrant against Neera Modi also now. Look for the most. Now you need to remove that from your dictionary which you practice in front of a mirror. Today. Talk about what Narendra Modi has done. Arnab Goswami, tell the nation how many jobs has Narendra Modi created. What you have? पुलवामा और सचिन तेंदुलकर को लेकर रिपब्लिक टीवी पर एक डिबेट हुई। अर्नब ने जब विपक्ष को एंटी नेशनल कहना शुरू किया इस डिबेट में, तब विपक्षी नेता भड़क उठे और अर्नब को सुनाने लगे। I had a great amusing night today. Listening 20 minutes of Mr. Arnab Goswami's diatribe. And I feel that there is a man sitting in the studio who's dead scared. Because he's out to prove everybody nationalist. And I'll just... Sachin Tendulkar, by your definition, is today should be declared anti-national.
Sunil Gavaskar should also be declared anti-national. He should be put behind the bar. By your definition, only Arnab Goswami is a nationalist. And I don't feel ashamed if you call me anti-national. Do you consider me an anti-national? Yes, of course I will. Why will you consider me an anti-national, then I don't want to participate. Yeah. No. I must know what is your different opinion. You are a tukde gang. I am asking you what is your different opinion. You are dividing India among nationals and anti-nationals. I am saying simply that there are people who are for India. You are dividing India. Thank you. No. Why don't you answer my question? Thank you. No. Take my. Why are you walking away with the mic? No, listen, you are calling Sachin Tendulkar anti-national. I didn't say, to the contrary, I said he should stand with India. Sunil Gavaskar anti-national. I said Sunil Gavaskar should call for a boycott of cricket with Pakistan. Of you. No, why? You're already shivering. Understand that first. You're already shivering. We know who represents the views of people in this country. JNU के मुद्दे पर डिबेट में अर्नब ने JNU स्टूडेंट से सवाल करने शुरू किए। अर्नब के बर्ताव को देखते हुए JNU स्टूडेंट ने अर्नब को करारे जवाब दिए। जरा आप भी देखिए। तो अर्नब, first of all, I'd like to thank you that you introduced me as a student of Jamia, और ना कि आपने मुझे जामिया का गुंडा कहा। आपको बच्चों की बड़ी परवाह है, हालांकि आप अपने डिबेट्स में बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें जलील करते हैं ये कह के कि तुम मेरी कौड़ियों पे पल्ले और मेरे पैसे दिए हुए पैसों से पढ़ते हो। टैक्स दिया जाता है, सरकार को देते हैं, वो इनडायरेक्टली जाता है शिक्षक शिक्षण संस्थानों में और उससे पढ़ाई होती है, मगर आप बिलिटल करते हैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुला के। आपको बच्चों की चिंता है, आज आपको बच्चों की चिंता हो रही है। कोई गरीब पैसे जमा करके अपने बच्चों की फीस देता है और आप बच्चों से ये कहते हैं कि तुम मेरी कौड़ियों पे पल्लो, मेरी कौड़ियों पे पढ़ते हो। आपको किसने दिया ये हक? और अगर आप समझते हैं कि इनडायरेक्टली सरकार को आप जो पैसा देते हैं वो आ जाता है, इनडायरेक्ट वर्ड इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इवन आई पे इनडायरेक्ट टैक्स मिस्टर अर्नब। सो थैंक यू दैट यू इंट्रोड्यूस मी एज अ जामिया स्टूडेंट एंड नॉट अ जामिया का गुंडा, बिकॉज माई रिलेटिव आर रियली वरिड अबाउट दिस, दैट तू यहाँ पढ़ाई करने गया था या गुंडा बनने। तो थैंक्स फॉर दैट। 2014 में जब नरेंद्र मोदी अभी सत्ता में नहीं आए थे, तब अर्नब ने राज ठाकरे का इंटरव्यू किया। अर्नब ने राज ठाकरे से मोदी को लेकर कुछ सवाल किए। अर्नब ने एक सवाल को बार बार दोहराना शुरू कर दिया, जिससे राज ठाकरे तंग आ गए और गुस्से भरे अंदाज में अर्नब को टोकने लगे और चुप करवा दिया। वो तो एनडीए में ज्वाइन कर चुके हैं, रामविलास पासवान एनडीए में सपोर्ट कर चुके हैं। मुझे कुछ लेना देना नहीं है उनसे, उन लोगों से। मेरी बात है स्ट्रेट नरेंद्र मोदी से, और मुझे लगता है कि आपके अगर यही सवाल होंगे तो हम लोग इंटरव्यू बंद करते हैं, आगे कुछ होगा तो नहीं। मैं सिर्फ ये क्योंकि क्या है, रिकॉर्ड हम लोग वहीं पे घुमा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड नहीं घुमा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हो गया ना, कितनी बार बुलाओगे, एक ही चीज कितनी बार दोहराओगे? आपको बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर एक बात बताइए, किस बेसिस पे आप सपोर्ट? तुम कहां पे लेके जा रहे हो इंटरव्यू यार? सिंपल चीज है, एक आदमी अच्छा काम कर रहा है एक स्टेट में, देश में आके अच्छा काम करेगा, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। ये सीधा जवाब है। तो आप मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो महाराष्ट्र के गुजरात में शायद वर्कर्स नहीं मिलते होंगे, महाराष्ट्र में है, तो आप अग्री नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तो फिर सपोर्ट क्यों करते हो? अरे तुम्हें अर्नब क्या चाहिए? क्या मैं समझने की कोशिश नहीं, समझने की क्या कोशिश कर रहे हो? एक आदमी, अभी मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं माइक निकाल दूंगा। इस पर भी आप मीडिया पे भड़क उठ रहे हैं। Is there a Modi? एक मिनट, आप लोग क्या रास्ते से घूमते घूमते हर एक आदमी को पूछते हैं क्या? क्या लग रहा है? है वेव? क्या लग रहा है? वेव है? क्या लग रहा है? वेव है? क्योंकि एक बात समझाने के लिए कितना टाइम लगता है यार, जब कठिन सवाल होता है ना। नहीं, उत्तर देने में टाइम लगता है। अरे कठिन सवाल नहीं है ये, मुझे लगा आजू बाजू में पूछ लो उनको कब का समझ में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि तुम्हें जो कंट्रोवर्सी चाहिए नहीं मिल रही है। नहीं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं, मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपको, डू यू फील देयर इज अ मोदी वे? कितनी बार ये जवाब दो। खैर, अकेले अर्नब ही नहीं है जो मोदी जी की तारीफ करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अर्नब और उनके चैनल की काफी तारीफ करते दिखाई देते हैं। साथियों, आप सबसे बेहतर भला कौन समझ सकता है कि नेशन वॉन्ट्स टू नो नेशन वॉन्ट्स टू नो वहां से जो यात्रा शुरू हुई, वहां से नेशन फर्स्ट का ये सफर कैसे तय हुआ है? क्यों? नई सफलताओं के द्वार तभी खुलते हैं जब जीवन में चुनौतियों को स्वीकार किया जाता है। अब आप अर्नब को ही देख लीजिए,
उसका टीवी शो देख लीजिए, जो इतनी लंबी चौड़ी विंडो बनाकर इतने सारे केस बुलाकर अर्नब की अदालत शुरू होती है। और ये क्या कब रिस्की होता है क्या? अर्नब के मेहमान भी तो उनके शो में आने का रिस्क उठाते ही है। खैर मजाक अपनी जगह है, अर्नब ने चुनौती स्वीकार की और इसलिए आज रिपब्लिक टीवी जैसा नेटवर्क वो स्थापित कर पाए हैं। अर्नब एक अच्छे पत्रकार हैं, अगर वह विपक्ष के साथ साथ सरकार से भी सवाल करे तो शायद जनता की परेशानियों का हल भी होने लगेगा। पर ऐसा होना मुमकिन है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अर्नब में बदलाव दिखेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी।